हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। एक बार शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी मेरे तरीके से बना के तो देखिए। घर में सभी लोग उंगली या तो क्या प्लेट भी चाट चाट के खाएंगे, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट और ढाबा से भी बढ़िया टेस्ट वाली शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 1/4 हिस्सा जावंत्री का, बड़ी इलायची एकदम छोटी साइज की लेनी है, 2 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च ली है, ये डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे खड़ा मसाला को भुनेंगे। 2 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून मगजतरी सीड्स और 6 से 7 लहसुन की कली ली है, ये अंदर डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल डालेंगे, धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। 2 बड़ी साइज का टमाटर लिया है, इसे रफली चॉप करेंगे। अगर आप मीडियम साइज का ले रहे हैं तो 3 से 4 टमाटर ले लेना है। टमाटर को रफली चॉप किया है, ये डाल देंगे। 1 चद्र का टुकड़ा लिया है, इसे चॉप करके डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए टमाटर को भून लिया है, 1/2 कप पानी डालेंगे। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे टमाटर को कुक करेंगे। टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं और पानी हमने डाला था वो भी पूरा जल गया है। गैस ऑफ कर देंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। फिर मिक्सर जार में डाल के इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। हांडी में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 1 बड़ी साइज का प्याज बारीक काट के लिया है और ये 1/2 कप फुल भर के है। तेज आंच पे लगातार चला के प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक भुनेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। प्याज अच्छे से भुन गया है। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/4 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1/4 टीस्पून चना मसाला, छोले मसाला और 1/4 टीस्पून सांभर मसाला लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1/4 कप पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं और इसे अच्छे से भुनेंगे। इस तरह से सभी मसाला मिक्स करके इसमें डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जैसा ही आता है। मसाला अच्छे से भून गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। टमाटर की मैंने पेस्ट बना के रेडी कर दी है, ये अंदर डाल देंगे। बिना पानी डाले टमाटर को ग्राइंड करके पेस्ट बनानी है, अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार चला के 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। 1/2 कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, ये अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल सेपरेट हो जाए तब तक ग्रेवी को कुक करेंगे। ग्रेवी के छींटे बहुत उड़ते हैं तो मैंने इसे ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/2 कप पानी और डालेंगे और ग्रेवी को अच्छे से कुक करेंगे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक करना है। ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाए तब तक इसे कुक कर दिया है। 1/2 कप दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी में 1 उबाल आए तब तक कुक करेंगे। 2 मीडियम साइज का कैप्सिकम चॉप करके लिया है, 200 ग्राम पनीर का क्यूब डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक कर दिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे, 1/4 टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। बहुत ही टेस्टी पनीर शिमला मिर्च की सब्जी बनके रेडी हो गई है। शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसे तवा रोटी के साथ सर्व की है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।